दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत प्लान होने वाला है और ये 18x45 फुट में बना है। ये दोस्तों ग्रामीण लेवल के लिए बना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आगे बारंदे का डिजाइन दिया है और ये पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ मेंटेन मैंने करके दी है। इसमें किचन वगैरह, हालांकि लेट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं था और लेट का बाहर बना है, इस वजह से इसके मॉडल को मैं पूरा आपके सामने इलेबोरेट करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो ये टोटल अगर फ्रंट की बात करें तो 18 फीट की चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो आपका 45 फीट है और 3 फीट का आगे का आपका छज्जा ये अलग से निकला है जो बालकनी का काम करेगा। तो यही पूरा मॉडल, हालांकि अगर हम बात करें इस मॉडल में तो मैंने इस फ्रंट में 3 पिलर दिए हैं और 2 साइड में, एक मिड में अप्रोक्स 9 फीट पे, और ये तीनों में जो डिजाइन बना है दोनों में, सॉरी, तो आप देख सकते हैं कर्व शेप में डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है और बीच में मैंने ओम का सिंबल दिया है। साइड में दोनों और चीजें मैंने दे रखी है डेकोरेशन की वजह से। और ग्रिल की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल सी ग्रिल मैंने यहाँ पर क्रिएट की है, ज्यादा कोई डिजाइनदार ग्रिल मैंने यहाँ पर नहीं किया है। और आप देख सकते हैं बीच में आपको एक होल टाइप के मिल रहा है, इसे मोल्ड की सहायता से मैंने क्रिएट किया है। तो ये पूरा प्लान आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने गुमटी वगैरह नहीं बनाई है, स्टेयर्स को बारंदे से ही मैंने अटैच करके बनाया है। जो बारंदा है आपका फ्रंट में, कहीं से आपकी स्टेयर्स है जिससे आप ऊपर जा पाएंगे। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पंचाण और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो, न्यू मॉडल्स मिलते रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण लेवल से हो या शहरी लेवल से हो। मैं ज्यादातर जो भी चीजें क्रिएट करता हूँ तो उन चीजों का ख्याल रखता हूँ जो बजट फ्रेंडली हो, ज्यादा बजट में आपके घर ना पहुंचे, क्योंकि लोगों का पैसा लिमिटेड है और उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं अच्छे से अच्छे घर में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ, इसे आपको चाहिए ऊपर समझ में आ जाए। ये दोस्तों एक आपको बारंदा था जो आपको फ्रंट से दिख रहा था, इसी बारंदे से मैंने स्टेयर्स को दिया है। यहाँ से आप टर्न होंगे, मतलब चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर आपको लैंडिंग एरिया मिलेगा, फिर से आप चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और फिर बाहर की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो ये तो बारंदा हो गया। इसके बाद ये इसका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। इसमें 18 फीट में मैंने 5.5 फीट की अप्रॉक्स गैलरी, आप देख रहे हो ना, ये गैलरी इनको रिक्वायर्ड थी, तो गैलरी मैंने यहाँ पर दिया है और इनके पीछे भी जगह है, इस वजह से मैंने पीछे भी डोर दिया है, आप पीछे जा सकते हैं। इसके बाद गैलरी के बाद जैसे आप आगे जाना स्टार्ट करते हैं, ये आपको तुरंत किचन मिल जाता है। किचन मैंने बारंदे में इस वजह से रखा है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके और विंडो इसी वजह से मैंने दे रखा है। किचन के बाद आगे जाएंगे तो आपको एक बेडरूम मिल जाता है, ये बेडरूम आप यहाँ से देखिएगा जाएंगे, और गैलरी में भी विंडो दिया है। इसके बाद ये आपका बेडरूम है, ये एरिया दोस्तों आपका पूजा घर के लिए मैंने यहाँ पर कवर्ड कर रखा है, आप यहाँ पर पूजा घर अपना बना सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, नहीं तो आप इस किचन को पूरा कर सकते हैं और यहाँ ये वाली वॉल जो है आपका पूरा बन जाएगा, तो ये एरिया खत्म हो जाएगा और आपका पूजा घर नहीं बनेगा, केवल किचन और बेडरूम बचेगा। अगर रिक्वायर्ड है तो आप पूजा घर रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और बेडरूम जस्ट पीछे मिलता है, जो कि डोर मैंने यहाँ से दिया है, इसमें गैलरी विंडो ना देकर पीछे विंडो दिया है, क्योंकि पीछे इनका स्पेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो 45 फीट में मात्र 2 बेडरूम, किचन और पूजा घर, बारंदा, गैलरी के साथ आपके सामने ये पूरा प्लान बनकर रेडी हो जाता है। फ्रंट मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, फ्रंट आप देख पा रहे होंगे ऐसा, और ये गैलरी चली गई सामने और उसी गैलरी से सट के आपके 2 बेडरूम और किचन बनकर रेडी हो जाते हैं। तो एक ग्राउंड फ्लोर में मैक्सिमम जूम और करता हूँ जिससे आपको चीजें और प्रॉपर समझ में आए। ये पिलर का डिजाइन आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये पिलर का डिजाइन, ये आपका बात करें ये बारंदे का डिजाइन जो कोई कर्व शेप में आपको दिया है, बात करते हैं ये आपका दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना ये मोल्ड है, ये मतलब कि प्लास्टर पीओपी का जो बना डिजाइन बनता है ना छज्जे पर, वो बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल जो कि फर्स्ट फ्लोर है, और इसके फ्रंट में ग्रिल का कॉम्बिनेशन जो कि वही 9 फीट को 3 में कवर्ड कर दिया है, 2 फीट का इधर, 2 फीट का इधर, 2 फीट बीच में, तो 6 फीट आपका ये निकल जाता है अप्रॉक्स, 2 2 6 बचता है टोटल आपका 12 फीट। और 12 फीट में ये 6 6 फीट की ग्रिल टाइप की जो आपकी लगी है, रॉड टाइप की जो कि मैंने गोल्डन कलर में यहाँ पर दे रखी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कलर क्या रखना चाहते हैं, कलर क्या चूज करते हैं, ये सारी चीजें आप पर बनती है। अगर आप गुमटी भी बनाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर गुमटी बन जाती है, हालांकि गुमटी मैंने यहाँ पर नहीं क्रिएट की है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो ये बेहतरीन सा प्लान 18x45 में विलेज लेवल के लिए एक भित्त वारंदा
आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको मॉडल हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें। लेकिन ध्यान ये रख रहे हैं कि आपको वहां पर पे करना होगा 50% एडवांस और 50% बाद में। इन चीजों का ध्यान रखकर ही आप हमें कॉन्टेक्ट करें। और जो भी मॉडल होगा, जो भी आपको मॉडल दिया जाएगा, उसमें 2D + 3D इंक्लूड रहता है। बशर्ते ध्यान ये रखना है किसी भी कॉमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट बिल्कुल न करें। केवल डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नहीं है। आप उसमें व्हाट्सएप पर चैट जरूर करिएगा। तो मॉडल पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।